हेलो गाइस, टुडे आई गॉट येट अनदर स्टोरी फॉर यू एंड द टाइटल इज चतुर्सिया। सो लेट्स सी व्हाट स्टोरी इज एंड व्हाट ट्रांसलेशन इज। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था। तो एक बार की बात है कि इंग्लिश क्या होगी, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक गांव में एक बैल रहता था। पहले हम यही लिखेंगे। तो एक गांव में इंग्लिश होगी देयर लिव्ड अ बुल। बैल की इंग्लिश होती है बुल। देयर लिव्ड अ बुल, एक बैल रहता था। कहाँ रहता था? एक गांव में, तो इन अ विलेज। दोस्तों आज हमारा फोकस ये रहेगा कि बड़े से बड़े सेंटेंस को हम कैसे आसानी से समझे और वहां पर सबसे पहले क्या लिखें, फिर क्या लिखें और फिर क्या लिखें, हम यही आज इस स्टोरी में समझेंगे। जिसको घूमना बहुत पसंद था, तो जिसको का मतलब होता है दैट दैट लाइक ट्रेवलिंग सो मच। ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग सो मच, दैट लाइक ट्रेवलिंग सो मच। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा। तो वह की इंग्लिश ही होती है, लेकिन यहां पर हम एक बुल की बात कर रहे हैं, एक एनिमल की बात कर रहे हैं, और एनिमल के लिए हम प्रायः इट का यूज करते हैं। तो इट घूमता घूमता हम बाद में लिखेंगे। वह जंगल जा पहुंचा। ही रीच्ड, पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो रीच्ड हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही रीच्ड अ फॉरेस्ट। घूमता घूमता मतलब अगर हम बिना किसी उद्देश्य के कहीं घूमते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है रोम अराउंड। तो घूमता घूमता रोमिंग अराउंड। और आते समय का रास्ता भूल गया। एंड अब लिखेंगे सबसे पहले भूल गया, फॉरगॉट। क्या भूल गया? रास्ता, द वे। रास्ता भूल गया आते समय का, मतलब आने का रास्ता भूल गया। फॉरगॉट द वे टू रिटर्न। आने का रास्ता वे टू रिटर्न, और भूल गया फॉरगॉट द वे टू रिटर्न। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। ही, अब हम लिखेंगे वह तालाब के पास पहुंचा है, वह तालाब तक पहुंचा। ही रीच्ड नियर, ही रीच्ड नियर अ पॉन्ड। ही रीच्ड नियर अ पॉन्ड, चलता हुआ, बाय वॉकिंग। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। देखते हैं अगला सेंटेंस। जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी घास खाई। तो जहां पर, वेयर, वेयर इट। बुल के लिए हम इट का यूज कर रहे हैं। Where it drank water, पानी पिया, और वहां की हरी घास खाई। एंड एट, ईट की सेकेंड फॉर्म एट। ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास ऑफ देयर, वहां की है ना, तो ऑफ देयर। जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ। तो पहले लिखेंगे वह बहुत खुश हुआ। इट बिकेम सो हैप्पी। अब लिखेंगे जिसको खाकर, ईटिंग, ईटिंग दैट। जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा।
तो पहले लिखेंगे चिल्लाने लगा एंड लगा स्टार्टेड शाउटिंग एंड स्टार्टेड शाउटिंग. अब लिखा है ऊपर मुंह करके तो विद फेस अप अपना मुंह ऊपर करके चिल्लाने लगा तो स्टार्टेड शाउटिंग विद फेस अप. उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने आ रहा था. उसी समय एट दैट टाइम या फिर सेम टाइम जंगल का राजा शेर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन होता है? शेर. तो शेर की इंग्लिश लायन. क्या क्या कर रहा था लायन? राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था. तो वॉज जा रहा था, पहले लिखेंगे वॉज गोइंग की ओर जा रहा था. वॉज गोइंग टूवर्ड्स द पॉन्ड. तालाब की ओर जा रहा था ना. गोइंग टूवर्ड्स द पॉन्ड क्या करने? पानी पीने. टू ड्रिंक वाटर. दोस्तों उम्मीद करने का कोई स्टोरी समझ में आ रही होगी. अगला सेंटेंस है प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा. जो भी नए हैं अभी तक मेरे चैनल पे प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा कि जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है. जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी when the lion heard the terrifying भयानक. जब शेर ने भयानक आवाज सुनी when the lion heard the terrifying terrifying voice of the bull. When the lion heard the terrifying voice of the bull, तो उसने सोचा, it thought, उसने का मतलब lion ने, तो it thought, क्या सोचा? कि जरूर जंगल में कोई भयानक जानवर आ. It thought that there must be a dangerous has come to the forest. इसीलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा. इसीलिए दस The lion शेर क्या करने लगा? बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा. Started running. Started running towards its cave. गुफा की तरफ भागने लगा बिना पानी पिए ही. तो इवन ही के लिए हमने लगा दिया इवन. विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियार ने देख लिया. तो लिखेंगे टू दो सियार ने देख लिया. टू जेकॉल्स देख लिया. सॉ द लायन रनिंग क्या करते हुए?
रनिंग डर कर भागते हुए, रनिंग इन फियर लाइक दिस, इस तरह लाइक दिस। टू जैकाल सॉ द लायन रनिंग इन फियर लाइक दिस, तो जैकाल ने शेर को इस तरह डर कर भागते हुए देख लिया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको स्टोरी ट्रांसलेशन समझ में आ रहे होंगे। अगला सेंटेंस है, वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। तो वह का मतलब वे दोनों, तो दे बनना चाहते थे, वांट का मतलब होता है चाहना, तो वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। दे वांटेड क्या बनना चाहते थे, वांट के बाद टू का यूज करते हैं, दे वांटेड टू बिकम। अब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे वांटेड टू बिकम क्या बनना चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे, तो मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स होगा क्योंकि वह दोनों की बात हो रही है, जब दो प्लूरल होंगे तो मिनिस्टर का मिनिस्टर्स हो जाएगा। दे वांटेड टू बिकम द लायंस, शेर के मंत्री है ना, तो लायंस मिनिस्टर्स। उन्होंने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दे थॉट इट इज द राइट टाइम, सही समय है, राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम, यही सही समय है क्या करने का, शेर का भरोसा जीतने का। टू विन लायंस, शेर का लायंस भरोसा की इंग्लिश होती ट्रस्ट। दोनों सियार शेर की गुफा में गए, तो बोथ द जैकल्स went to the lion's cave, गुफा में गए और बोले and said, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। तो देखा था, we क्या बोला, We had seen you, हमने देखा था, we had seen you क्या करते हुए, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। तो हमने पहले लिख दिया we had seen you गुफा की ओर आते हुए, coming towards We had seen you coming towards the cave in fear. We had seen you coming towards the cave in fear. मैंने तुम्हें डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। तो द वॉइस, आप जिस आवाज से डर रहे थे, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आवाज, द वॉइस जिससे आप डरे हुए थे, दैट यू वर फ्राइटेंड ऑफ, वो आवाज जिससे आप डरे हुए थे वह एक बैल की थी, वॉज ऑफ A bull. The voice that you were frightened of, जो आवाज जिससे आप डरे हुए थे वह एक बैल की थी, इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा। दोस्तों अगला सेंटेंस है, यदि आप चाहे तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। यदि आप चाहो, इफ, यदि की इंग्लिश होती इफ
यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट, यदि आप चाहो तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं. इफ यू वॉन्ट वी कैन ब्रिंग इट टू यू. इफ यू वॉन्ट, यदि आप चाहो तो हम आ सकते हैं. वी कैन, हम उसको लेकर आ सकते हैं. वी कैन ब्रिंग इट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इट मतलब बैल को, टू यू आपके पास, शेर की आज्ञा से, तो विद दी परमिशन, विद दी परमिशन ऑफ द लायन, दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए. दोनों दी बोथ, दोनों जयकाल की बात यहां पर हो रही, दी बोथ ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, दी लायन, दी बोथ ब्रॉट द बुल विद देम, अपने साथ लेकर के आ गए और शेर से मिलाया, एंड मेट विद द लायन. कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए. इन सम टाइम, इन सम टाइम, कुछ समय में शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए. लायन एंड बुल, फिर दी लायन एंड दी बुल, लायन एंड दी बुल बन गए, तो बिकेम. गुड फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड फ्रेंड्स. अगला सेंटेंस है, शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया. द लायन रख लिया, तो केप्ट, द लायन केप्ट द बुल, बैल को अपना सलाहकार, एज इट्स एडवाइजर. The lion kept the bull as its advisor, अपने सलाहकार के रूप में रख लिया. यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे. यह बात जानकर मतलब यह जानकर, knowing this, दोनों सियार, both the jackals, उनकी दोस्ती से जलने लगे, स्टार्टेड बी जेलस, स्टार्टेड बी जेलस ऑफ उनकी दोस्ती से, देयर फ्रेंडशिप. उनकी दोस्ती से जलने लगे, बी जेलस ऑफ देयर फ्रेंडशिप, क्योंकि उन्होंने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ. बिकॉज क्योंकि उन्होंने जो मंत्री बनने का सोचा था, तो वॉट का मतलब होता है जो, वॉट दे थॉट, उन्होंने जो सोचा था, व्हाट दे थॉट, क्या सोचा था, टू बिकम, व्हाट दे थॉट
टू बिकम मिनिस्टर्स वह भी नहीं हुआ, डिड नॉट हैपन. व्हाट दे थॉट, जो उन्होंने सोचा था टू बिकम मिनिस्टर, मिनिस्टर बनने का, डिड नॉट हैपन, वह भी नहीं हुआ. दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए. बोथ द जैकल्स थॉट, तरकीब निकाली, थॉट ऑफ अ प्लान, और लिखा है शेर के पास गए. वेंट टू द लायन, क्या होता है आगे देखते हैं. प्लीज दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा. वह शेर से बोले, दे स्पोक टू द लायन. वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है. द बुल ओनली दिखावा करता है. प्रिटेंस मित्रता का दिखावा. टू बी To be friends. The bull only pretends to be your friends. Your friends. बैल केवल आपसे मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है. उसके मुंह से सुना है मतलब हमने उसको कहते हुए सुना है. बट वी हर्ड इट सेइंग. इट का मतलब बुल. वी हर्ड इट सेइंग, उसको कहते हुए सुना है कि वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है. It wants to become क्या बनना चाहता है. The king of the forest. क्या करके, आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर. तो बाय किलिंग यू, किससे मारकर, विद इट्स बोथ दोनों द बिग हॉर्न्स, अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है. दोस्तों ये ट्रांसलेशन है इसका, कितना आसान हो गया. पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया. द लायन डिड नॉट बिलीव. लेकिन उसको ऐसा लगने लगा. बट इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक दिस. इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक दिस, वो उसको ऐसा लगने लगा. उसको आगे देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन होगा, क्या स्टोरी होगी. दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए. तो दोनों सियार
both the jackals went to the bull. इसके बाद after that, दोस्तों after that हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बाद में लिख दिया। वह बैलों से बोले, वह का मतलब वे, ये दोनों है ना, तो दे स्पोक टू बैल से बोले, दे स्पोक टू दी बुल। शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है। दी लायन ओनली प्रिटेंड्स, The lion only pretends to be your friend. तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, pretends to be your friend. मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। मौका मिलने पर if given chance, given chance, मौका मिलने पर की इंग्लिश होगी if given chance, वह तुमको मारकर खा जाएगा। इट विल किल एंड ईट यू, ईट यू, इट विल किल एंड ईट यू। बैल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया। द बुल, बैल को गुस्सा आया, पहले हम ये लिखेंगे, द बुल बिकेम सो एंग्री, यह जानकर, तो नोइंग, यह जानकर, अब यहां पर दिस नोइंग नहीं हुआ, नोइंग दिस, वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। इट स्टार्टेड गोइंग, वह जाने लगा, इट स्टार्टेड गोइंग टू मीट, टू मीट द लायन। देखते हैं आगे क्या होता है। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले, तो सियार द जैकल्स ऑलरेडी, पहले ही की इंग्लिश होती ऑलरेडी, went to the lion, the jackals already went to the lion, वो शेर के पास पहले ही गए और बोले, and said, कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। The bull is coming to kill you, आपको मारने आ रहा है। The bull is coming to kill you, to kill you, बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी। The lion trusted, the lion trusted the jackals the lion trusted the jackals, शेर ने दोनों जैकालों पर विश्वास कर लिया, उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, क्या देख करके, बैल को गुस्से में आता देख करके, तो सीइंग द बुल, सीइंग द बुल, बैल को देख करके, किस तरीके से देख करके, गुस्से में आता हुआ देख करके, तो कमिंग, कमिंग इन एंगर, गुस्से में आता हुआ देख करके उनको दोनों जैकाल्स की बातों पर विश्वास हो गया कि वो सही बोल रहे हैं, और बैल पर हमला कर दिया एंड अटैक, अटैक द बुल,
और बैल पर हमला कर दिया, अटैक दी बुल। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बैल ने भी शेर पर हमला कर दिया, द बुल टू, बैल ने भी द बुल टू अटैक अटैक द लायन। बैल ने भी शेर पर हमला कर दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। एंड दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर। अंत में शेर ने बैल को मार दिया। इन द एंड The lion, शेर ने, the lion killed the bull, शेर ने बैल को मार दिया। The lion killed the bull, और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। And बना लिया, made the both, दोनों सियारों को, the both jackals, its अपना मंत्री मिनिस्टर्स, बिना सोचे समझे किसी की बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।